उपायुक्त के निर्देश पर टीम गठित ने आइडिया भगवती महिला समूह गोल्हैया का किया जांच। 100% लाभुकों ने अतिरिक्त अनाज एवं रसीद नहीं देने की बात कही। जम्मू प्रखंड सियाटाण पंचायत अंतर्गत आइडिया भगवती महिला समूह गोल्हैया PDS दुकान की जांच को पहुंचे। उक्त दुकान के विरोध में ग्रामीणों ने शुक्रवार को मोर्चा खोला था, जिसको लेकर शुक्रवार को विभिन्न समाचार पत्र में खबर प्रकाशित होने के बाद गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा मामला को संज्ञान में लेकर ज्ञापन संख्या 1926 दिनांक 26 अगस्त 2022 को टीम गठित कर जांच का निर्देश, जिसमें DDC शशि भूषण मेहरा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम में DDC के अलावे DSO गौतम भगत, कार्यपालक दंडाधिकारी प्रशांत डांग शामिल थे। उक्त अधिकारी के द्वारा आइडिया भगवती महिला समूह 56/2009 जांच के दौरान अधिकारी ने कई तरह की गड़बड़ियां देखी। उन लोगों ने स्टॉक रूम में लगभग 25 पेटी चावल वहीं लगभग 10 पेटी गेहूं पाया, जबकि ऑनलाइन देखे जाने पर कुछ लाभुकों के बीच राशन वितरित दिखाया गया। वहीं संचालक द्वारा स्टॉक रजिस्टर्ड नहीं दिखाने पर पदाधिकारी भड़क उठे। PDS दुकान में लगे बोर्ड में अनियमितता देखी गई, जिसके बाद पदाधिकारियों ने कार्ड धारियों का बयान दर्ज किया, जिसमें लगभग 30 कार्ड धारियों का बयान दर्ज किया गया, जिसमें अधिकांश कार्ड धारियों का बयान आया कि उन्हें महीने में 2 बार की जगह 1 बार ही राशन दिया जाता है और 2 बार अंगूठा लगवाया जाता है, कम राशन देकर अधिक राशि दी जाती है। वहीं कुछ कार्ड धारियों ने राशन कार्ड बनवाने एवं राशन कार्ड में सदस्यता का नाम जोड़ने के लिए पैसा लेकर भी नहीं जोड़ा है।